सपा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के छोटे भाई घनश्याम सिंह ने खुद को गोली मार ली है। बता दें कि कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र के देवरिया बाबू गांव में स्थित आवास में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के छोटे भाई घनश्याम सिंह ने लाइसेंसी असलहे से अपने पैतृक गाँव के मकान में आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले कमरा बंद किया फिर खुद को गोली मारी। दोनों भाइयों में डेढ़ साल पहले बंटवारे के बाद मृतक घनश्याम सिंह गांव में ही रहते थे, जबकि राधे श्याम सिंह गोरखपुर के मैत्रीपुरम मोहल्ले में निवास करने लगे। आत्महत्या का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लोगों को जैसे ही घटना की भनक लगी मौके पर पहुंचने लगे। मृतक घनश्याम सिंह का उम्र करीब 55 वर्ष बताई जा रही है। घनश्याम सिंह का एक लड़की और एक लड़का है। गोली उनके दाएं कनपटी पर लगी थी और पास में उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर गिरा हुआ था। उनके द्वारा आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। पूर्व मंत्री के भाई देवरिया बाबू स्थित अपने आवास में अकेले थे। उनका घरेलू सेवक शुक्रवार की रात को खाना खिलाने के बाद अपने घर चला गया। शनिवार की सुबह जब उनको चाय देने गया तो अंदर से उनका फाटक बंद मिला। सेवक कपूर ने फाटक नहीं खुलने पर अपनी बेटी के घर नोएडा गई उनकी पत्नी को सूचना दी। कुशीनगर से राम नारायण चौहान की रिपोर्ट। बेटे ने बताया कि ये सुसाइड इन्होंने किया अपने रिवॉल्वर से। रीजन क्या लग रहा है?